ऐसी तो गाड़ियां हमने सिर्फ गेम्स के अंदर देखी हैं बस. Brother, what is the price of this car? So this one right around 230 on this one. $230,000 भाई, 2,30,000 डॉलर. गिने आप जरा, कन्वर्ट करें इतनी देर में, जरा बात करता हूँ. जो कलर चाहिए भाई जान, फुल गेमिंग वाला माहौल बना हुआ है, सही है ना. ये देखें, ये कलर चेंज हो गया ग्रीन, ये देखें भाई ग्रीन कर दिया, वेव मसाज. अब ये बता रहे कि भाई ड्राइवर को करना है, वो पैसेंजर को करना है. कुछ तो शुरू हो गया है, कुछ तो मस्ती हो रही है मेरे साथ अभी. यार ये बड़ी अजीब सी गाड़ी है यार, ये देखें जरा, अजीब सा ही शेप है इसका. ये डाला चेक करें भाई आप, पीछे दो दो टायर हैं, फुल हैवी ड्यूटी सीन है भाई. का दिन स्टार्ट करते ही भागा भागी में हम लोग पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आमिर भाई का है अपॉइंटमेंट. और टाइम दिखाइएगा क्या हो रहा है, 10:59 और 11 बजे का ये अपॉइंटमेंट था. चलें भाई पहले अपॉइंटमेंट निपटाते हैं. ये है भाई डेंटिस्ट का क्लिनिक यहाँ पे. भाई ये जो डेंटिस्ट है ना, मुझे लगता है कि स्पेस लवर है. देख रहे हैं आप लोग, सारे प्लैनेट्स और स्पेस से रिलेटेड ही पूरा थीम बनाया है. इवन कारपेट भी जो है ना स्पेस के ऊपर ही बना हुआ है. ऊपर भी देखें स्पेस का ही पूरा थीम दिया हुआ है. और यहाँ पे भी देखें आप जरा, ये देख रहे हैं आप लोग, सैटेलाइट वेटेलाइट का फुल सीन दिया हुआ है. यहाँ जो डेंटिस्ट का काम होता है ना, बहुत महंगा होता है. अगर आपका दांतों का कोई काम निकल आया ना, पूरी जेब खाली हो जाती है. अमेरिका में जो है ना, डॉक्टर्स बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, सही है ना. डॉक्टर की जॉब यहाँ पे सबसे अच्छी जॉब है. हो गया आपका अपॉइंटमेंट सही से? चलें जबरदस्त हो गया, बेहतरीन भाई. वेदर अपडेट क्या बोलता है, रॉचेस्टर में हो गया 19 डिग्री, सही है, अच्छा हो गया मौसम. कराची में 28 डिग्री और ह्यूस्टन जो हम जा रहे हैं यहाँ पे 32 डिग्री होगा भाई. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, मजे में. यार एक और बहुत ही प्यारी सुबह है रॉचेस्टर में, ठीक है. आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं एक और व्लॉग के अंदर. भाई आज का सीन पता है क्या है, बल्कि सीन मैं आपको बताता हूँ. फिलहाल तो हम लोग जो है ना मर्सिडीज के यहाँ पे आ गए भाई, सर्विस एरिया के अंदर, और देखते हैं कि आमिर भाई यहाँ पे क्यों आए. ये देखिए भाई इनके टायर में जो है ना ये प्रॉब्लम हो गया, ये दिखाने के लिए मर्सिडीज आए, सही है ना. ठंड आ गई यार यहाँ पे, सर्दी लग रही है. मर्सिडीज की लाइनें लगी हुई है भाई यहाँ पे. और ये गाड़ी चेक करें आप लोग यार, ओए होए होए, बहुत ही जबरदस्त है यार, नेक्स्ट लेवल. गाड़ी की जो है ना इंस्पेक्शन चल रही है. मेन वाइल इन्होंने बोला कि आप जो है ना जाके बैठे आराम से वेटिंग एरिया के अंदर. देख रहे हैं फुल शशके वाला सीन है यहाँ पे. देखें यहाँ पे भी जो है ना पैसे वैसे कमा रहे हैं लोग, फुल ये शशके वाली चीज़ें बेच रहे हैं अपनी मर्सिडीज ब्रांड की. स्नैक्स भी हैं यहाँ पे, और फिर इस तरह बैग है, कैप्स हैं, टी शर्ट्स हैं, सब कुछ है. लेकिन हम आपको मज़े की कुछ गाड़ियाँ दिखाते हैं भाई. यहाँ पे जो है ना इस वक्त महंगी तरीन मर्सिडीज की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं. सबसे महंगी जो है ना वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है. और कितने की है वो भी बताते हैं. ऐसी तो गाड़ियाँ हमने सिर्फ गेम्स के अंदर देखी हैं बस. ये है भाई इस वक्त सबसे महंगी गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी हुई है, मेबैक. इसको हम अंदर से दिखाते हैं आपको. पहले अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर इसकी प्राइस बताता हूँ. ओके ये देख रहे हैं आप लोग, ये लाइट पड़ रही है, इसका लोगो है देखें, मेबैक का. वाह भाई वाह, ये है इसका इंटीरियर, जबरदस्त. इसी के तो पैसे हैं भाई जान, आप देख रहे हैं कम्फर्ट देख रहे हैं सिर्फ. ओ हो हो, पीछे देखें आप स्पेस. फुल मज़े से बैठे बंदा यहाँ पे. स्क्रीन स्क्रीन लगी हुई है ज़बरदस्त. ये देखें, मैं अपनी रेवो बेच देता हूँ, ठीक है. रेवो बेचने के बाद इसका टायर तो आ ही जाएगा. बता रहे हैं ये पूरा लाइट्स का जो थीम है ना, आप अपनी वॉइस से चेंज कर सकते हैं. इसको कमांड देंगे, चेंज कर देगी पूरा थीम, माहौल बना देगी गाड़ी. ये देखें कलर चेंज हो गया, जबरदस्त जबरदस्त. जो कलर चाहिए भाई जान, फुल गेमिंग वाला माहौल बना हुआ है, सही है ना. ये देखें ये कलर चेंज हो गया ग्रीन, ये देखें भाई ग्रीन कर दिया, बेहतरीन जबरदस्त. इसी तरह खेलते रहें, गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, बस खेलते रहें बैठ के. मसाज सीट्स, मसाज, ओके. ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लासिक वेव डीप मसाज, यू कैन सेलेक्ट दोस. वाओ, इट्स वेव मसाज. अब ये बता रहे कि भाई ड्राइवर को करना है, वो पैसेंजर को करना है. ओके ड्राइवर. कुछ तो शुरू हो गया है, कुछ तो मस्ती हो रही है मेरे साथ अभी. इसको बेचारे को समझ नहीं आ रहा, फिर भी हंस रहा है, साथ दे रहा है. देखे यार आप, अच्छे लोग होते हैं. Yeah, your wireless charging for your wireless phone. Charging, right. Yeah. Just if you want to keep any items there or phone as well, your yes. USB-C imports to any juice, drinks. Yep. And then this will open here, just press this button. Okay. A couple more USB-C ports there. जो सऊदी में नहीं हम लोग कॉइन डाल के मसाज कराते हैं सीट के अंदर, भी वही सीन चल रहा है मेरे साथ. ये देखें अलग अलग तरीके से आप जो है ना कर सकते हैं, ठीक है ना. डीप वर्कआउट भी हो सकता है, ठीक है. प्ले कर दो इसको, डीप वर्कआउट. पूरा वी आई पी सेटअप हो रहा है कमर के ऊपर. भाई नॉर्मली लोग जो है ना मर्सिडीज लेते हैं, गाड़ी तो ड्राइवर चलाता है, लोग पीछे बैठते हैं ना, तो अब जरा पीछे ना फील जो है ना जरा लेते हैं गाड़ी का. ओए हो रहे, स्पेस चेक करें आप, बेहतरीन. और यहाँ से व्यू आ रहा हो मौसम का,
पैसे हैं भाई जान, इसी चीज के तो पैसे हैं। Brother, what is the price of this car? So this one right around 230 on this one. $230,000 bhai, 2,30,000 dollar. Gine aap zara convert kare itni der mein zara baat karta hu. Brother, thank you for your time. Yeah, I appreciate that. Thank you. Thank you. What is this actually? So it has the logo, the wording okay. right there for the back. So you want a pillow for a longer drive. Okay. And then it's, I think this is for a little more back support. Okay, okay. ये back support के लिए जो है ना और चीज़ें भी जो है ना गाड़ी के अंदर दी हुई हैं. सही है कि आप जो है ना अपनी ड्राइव को मजीद कम्फर्टेबल बना सकते हैं. अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर भी. हेडसेट, वाओ, मर्सिडीज लोगो. ग्रेट. और ये गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ना मर्सिडीज की कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार है. कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार, चार्ज होती है और बस लेके निकल जाओ. EQE. ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है. ये SL63 बता रहे हैं यार इसका मॉडल. और इसका मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ. ओहो, ये फुल स्पोर्ट्स वाला सीन है. ये देखें, हालांकि लेग स्पेस पीछे वाले बंदे के लिए कम है, लेकिन आगे से आप देख रहे हैं इंटीरियर. ओहो, बहुत ज़बरदस्त है. बंदे का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जिसने ये पूरा जो है ना इंजन असेंबल किया है, ठीक है ना. और ये गाड़ी भाईजान $2,00,000 की है. $2,00,000. अब हमने मंगवा ली है भाईजान दूसरी गाड़ी. आवाज़ बहुत है यार इस गाड़ी की. ये है भाई जी वैगन. सही है, इसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं. फर्स्ट टाइम मैं इसको अंदर से देखने जा रहा हूँ, आज तक नहीं देखी. आवाज़ बहुत है इसकी, बहुत ज़्यादा है आवाज़ इसकी. ये देखें भाई, ये है अंदर से जी वैगन के शशके, ठीक है ना. और ये है भाई पीछे बैठने की जगह. भाई अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना जी वैगन के अंदर, तो फिर तो सही है यहाँ पे. मतलब ना यहाँ पे लैग स्पेस वगैरह सही है और यहाँ पे आप एंजॉय करेंगे इसकी ड्राइव. लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए जो है ना इतना स्पेस नहीं है. और ये वाली गाड़ी जिसके अंदर मैं इस वक्त बैठा हूँ जी वैगन के अंदर, ये है भाई $1,40,000 की. V8 है भाई ये, ठीक है ना. ये सीन है भाई, आपस की बात है. मुझे मर्सिडीज और BMW इस तरह की गाड़ियाँ नहीं पसंद, ठीक है ना. मुझे पता है किस तरह की गाड़ी पसंद आती हैं, अभी दिखाता हूँ. एक नज़र आई है मुझे अपने सामने, और ऐसी गाड़ी और ऐसा कलर मैंने अभी तक अपने इस ट्रिप के अंदर नहीं देखा, ठीक है. ये चेक करें भाई, ये जो है ना टोयोटा की गाड़ी है, लेकिन नेक्स्ट लेवल का कोई एडवेंचर का सीन है. ओए होए होए, कलर आप देखें यार, कितना यूनिक कलर है इसका, ठीक है. फ्रंट आप चेक करें इसका, तबाही तबाही है भाई जान, तबाही है. इस तरह की गाड़ियाँ मुझे पसंद है यार, बहुत ही प्यारी गाड़ी है यार, बहुत ही प्यारी गाड़ी. नाम क्या है इसका? बहुत मुश्किल है, सिकोइया करके कुछ है भाई. और ये ट्रक देख रहे हैं आप लोग, इस तरह की गाड़ियाँ आपके भाई को पसंद आती है. बस भाई गाड़ियाँ शाड़ियाँ देखने के बाद जो है ना अभी हम फिर वेटिंग एरिया के अंदर ही आके बैठ गए. और ये क्या, स्नैक्स वगैरह सब फ्री हैं? सारे फ्री है. वाह भाई वाह, क्योंकि पैसे तो चार्ज कर रहे हैं अच्छे खासे ये लोग जो भी आ रहा है उनसे. तो आमिर भी, आपने इतने टाइम से देखा ही नहीं था कि टायर के ऊपर ये से निशान बन गया है. नहीं, ये एक्चुअली पता नहीं था, और जब आपने पॉइंट आउट किया तो मैंने देखा, और अभी जब आए तो मुझे बस डर लगा कि यार करना चाहिए. नहीं नहीं, सही बात है, क्योंकि मैंने ही जो है ना इनको पॉइंट आउट कराया. मैंने बोला भाई जान, ये आपके टायर के अंदर ना जो कोई गड़बड़ है, सही है. तो ये चेक कराया तो उन्होंने बोला कि भाई जान, ये किसी भी पॉट होल वगैरह में गया ना, खड्डे वड्डे में गया ना, तो ये फट सकता है. तो इससे पहले जो है ना आप चेंज करा लो. तो आपने जो है ना यहीं से चेंज करा लिया, मतलब बोल दिया इनको चेंज करने का? हाँ, वो चेंज करेंगे. सही है. ये देखिए भाई, यहाँ पे जो है ना एप्पल शेपल भी रखे हुए हैं, सही है, जबरदस्त. और ये सब कुछ भी है, स्नैक्स वगैरह भी हैं, प्रोटीन बार भी रखे हुए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. आमिर भाई, अगर आप ये मर्सिडीज से टायर चेंज ना करवाते, किसी लोकल आप उसके पास से ले जाते, तो उसमें पैसे बच जाते आपके? उसमें मेरा ख्याल है $100-200 बचते. ओए होए, तो फिर क्यों नहीं बचे? सारी सर्विस यहीं से करा रहा हूँ. अच्छा, मतलब आप यहीं से मेंटेन करा रहे हैं अपनी गाड़ी? अच्छा अच्छा. भाई टायर लग गया है, गाड़ी की सर्विस हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं. ये देखिए भाई, ये वाला जो टायर है ना, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लग गया है. तो भाई बीच में गाड़ी का काम आ गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को ये बता ही नहीं सका कि आज का सीन क्या है भाई. क्योंकि हम लोग रॉचेस्टर में तकरीबन एक हफ्ता हो गया यहाँ पे स्टे किया हुआ है. सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, सही है. इतना जबरदस्त माहौल है, ग्रीनरी है, नेचर के बहुत करीब है, बहुत ही पीसफुल सुकून वाला इलाका है. लेकिन एक चीज की कमी बहुत महसूस हो रही है, और वो क्या है? अपना पाकिस्तानी खाना, ठीक है. तो काफी दिनों से क्रेविंग हो रही है, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं. तो आज आपके भाई ने सोचा कि दाल चावल बनाऊंगा, सही है, दाल चावल बनाने का एक्सपेरिमेंट करूंगा और वो बना के खाएंगे इंशाल्लाह. तैयार है भाई जान? आप बिल्कुल तैयार. दाल चावल खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह. क्या खाएंगे? बस भाई सही नहीं बने ना तो भी तारीफ कर दीजिएगा थोड़ी वीडियो में, ठीक है. क्या प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त, हल्की फुल्की रिम झिम का सिलसिला चल रहा है भाई. खाना बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें घर पे मौजूद है. सिर्फ क्या, एहतियाती तौर पर प्याज लेने के लिए आ गए. हाँ, ऐसा ना हो कि घर पहुंचे और प्याज ना हो, फिर बारिश में कौन निकलेगा बाहर. ये देखिए भाई, ये हमने प्याज उठा ली है, ठीक है, $2 की. और ये आ गई ट्रॉली के अंदर.
भाईजान सेब कैसे दिए? हो गई शाम, गिर गया दाम। क्या बात है, क्या बात है। दे दे भाईजान, एक किलो दे दे सेब। यार ये चिप्स मैंने खाए थे, सही है, बहुत जबरदस्त है। ये दोबारा ले लेते हैं ना, केचप फ्लेवर। बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी सामान अंदर डालते हैं और भागते हैं। एक गाड़ी दिखाऊं आप लोगों को? चलो दिखाता हूं। सही है, नेक्स्ट लेवल की वीआईपी गाड़ी है, समझ आए? ये देखें, ओए होए होए होए। दिल तो कर रहा है कि इस बारिश के अंदर जो है ना भाईजान, पकौड़े तल लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये रख दिया सामान। और ये जो आप देख रहे हैं ना चने की दाल, ये हमने रात को भिगो दी थी। मैं समझता हूँ किचन का व्यू जो है ना ऐसा होना चाहिए कि आप जो है ना यहाँ पे खाना बना रहे हो, आए हाय हाय हाय, और यहाँ चेक करें, यहाँ पे फुल ग्रीनरी वाला माहौल हो, जबरदस्त मजा आए आपको कुकिंग करने में भी। चलें जी, अब जो है ना आपके भाई ने बहुत ही प्यार से टमाटर का छिलका उतार दिया। ठीक है, और ये साथ साथ जो है ना मैंने ये देखें टमाटर भी काट के रख लिए। सही है ना, क्योंकि मैं जो है ना टमाटर का छिलका उतार के ही यूज करता हूँ, अगर कभी यूज करता हूँ, साल में एक दो बार तो। ये जब कोई कच्चा खिलाड़ी जो है ना खाना बनाता है और हाथ पे जब तेल उड़ता है ना, आए आए हैं, बड़ा मजा आता है। उड़ जा भाई, तेल उड़ जा, जितना उड़ना है उड़ जा, बस आईफोन पे मत उड़ना। आपका भाई आज दाल बना रहा है और आमिर भाई की जिम्मेदारी लगी है आज चावल बनाने की। यहाँ के लोग भी गोरे होते हैं, यहाँ की प्याज भी गोरी होती है, देख रहे हैं बिल्कुल चिट्टी वाइट, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। ठीक है, अब जो है ना हम इसके अंदर जीरा और काली मिर्च डालेंगे। सही है, ये हमने जीरे की एक चुटकी और ये जीरे की दो चुटकी, ये भाई हमने काली मिर्च के दाने डाल दिए कुछ। ठीक है, ये आ गया भाई जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है भाई, उछलने लग गया सब कुछ, हलचल मच गई। डाल दें सारा टमाटर डाल दें, वेरी गुड, जबरदस्त। अब टमाटर का पानी निकलेगा भाई। ठीक है, इसमें जो है ना मैंने मिर्च मसाले भी डाल दिए सारे। ठीक है, अब जो है ना मैं पानी डाल रहा हूँ, फिर इसको मैं ढक के रख दूंगा। सही है ना, या अल्लाह अच्छे से दाल बन जाए आज, इज्जत का सवाल है हमारी। और ये देखिए हल्की आंच कर दी मैंने, रख दिया इसको। साथ साथ जो है ना ये देखिए हम पिस्ते भी खाएंगे इंशाल्लाह टाइम पास करने के लिए। और आमिर भाई जो है ना इधर खरगोश देख रहे हैं, यहाँ पे अभी जो है ना एक खरगोश ऐसे उछलते उछलते यहाँ कहीं चला गया। और एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, कल मैं साइकिलिंग पे निकला हुआ था, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था, व्लॉग मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका था और वरना मैं आपको वो सीन दिखाता। तो मैं जब साइकिलिंग करके वापस आ रहा था ना घर के पास, तो मैंने तीन हिरन देखे थे, एक बड़ा हिरन था और दो उसके साथ छोटे बच्चे थे। वो देखें वो क्या रखा हुआ है भाई, हबीब भाई के घर में हमने देखा था और यहाँ पे भी हमने देखा, मतलब यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी है ना उनके घर पे आप ये जरूर देखेंगे, रूह अफ़ज़ा जामे शरीफ आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ही आमिर भाई, जरूरी है ना, और फिर रमजान में तो बनता ही होगा रोजाना, है ना? बिल्कुल रोजाना। और ये हमने देख लिया एक बंदे को जो कि कराची का जो है ना हबशी हलवा निपटा रहे बंदा। आप लेकर आए तो उसको खाना पड़ेगा। कैसा है, मजा आया आपको खा के? अच्छा है, दुनिया में सबसे बेस्ट जो है ना, ये है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कमेंट के ऊपर कि यार आमिर भाई के बारे में बताएं, आमिर भाई कितने टाइम से यूएस में है? भाईजान कितने टाइम से यूएस में बताएं तो सही तरह। मैं 30 साल से हूँ यहाँ। 30 साल से भाईजान, ये जो आप देख रहे होते हैं ना सारी चीजें, आसान काम नहीं होता। कितना स्ट्रगल है भाईजान यहाँ पे? बहुत स्ट्रगल है yeah। मतलब बंदा शुरू जब नया नया यहाँ पे आता है तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं? मेहनत वाले सारे काम करता है, मेहनत वाले करने पड़ते हैं। हाँ, इसके बाद जाके फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, फिर बंदा करता है। ये ना सोचे कि यहाँ पे आपको रेड कार्पेट मिलेगी और दरख्त मिलेगा है कि यहाँ पे डॉलर तोड़ लो, ऐसा नहीं होता। कुछ नहीं मिला मुझे, वो दरख अभी तक ही मिला। सही बात है, वो दरख मिलता भी नहीं है। एक और सवाल जो है ना दिमाग में आता है, सही है, मैंने कमेंट में भी देखा है, लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े बंगले कैसे लोग ले लेते हैं? आम जॉब करने वाला बंदा यहाँ पे कैसे ले लेता है? कैसे ले लेता है भाईजान बताएं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, आईफोन से लेके बंगला लोग जो है इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट होती है और जब पे ऑफ हो जाता है तो उनका हो जाता है। मतलब तकरीबन लाइफ के 10-15 साल तक जो है ना ये सारी चीजों के लोग इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये सीन है, मतलब ये सारी चीजें जो है ना लोग कैश पे नहीं ले लेते वन शॉट में, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ली जाती है। तो यहाँ पे महीने की जब सैलरी आती है ना तो साथ में बिल्स भी खड़े होते हैं कि अच्छा भाई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट इतनी है, घर की इंस्टॉलमेंट इतनी है, मोबाइल की इंस्टॉलमेंट इतनी है, आईपैड कितनी है, मैकबुक कितनी है, ऐसे ही है। सही समझा है, ये सीन होता है भाई। मैं जो ना इंस्टॉलमेंट से परहेज करता हूँ, पर 95% यहाँ पे अमेरिका में जो लोग हैं वो इंस्टॉलमेंट यूज करते हैं। अच्छा आमिर भाई, काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार आमिर भाई इतने बड़े घर के अंदर अकेले रहते हैं क्या? आमिर भाई इनकी फैमिली है, लेकिन लाजमी सी बात है व्लॉग पे तो नहीं आएगी ना, मतलब यार हम व्लॉग तो अकेले बना रहे होते हैं। आज आमिर भाई सोच होंगे कि इतने तो मैंने जॉब के इंटरव्यू नहीं दिए जिंदगी में, जितने जो है ना आज मेरा ऑडियंस के कहने के ऊपर इंटरव्यू किया जा रहा है। भाईजान एक और सवाल याद आ गया जी, लोग पूछते हैं आमिर भाई क्या काम करते हैं? मैं आईटी में काम करता हूं। आईटी में? आईटी की बहुत बड़ी फील्ड है भाईजान, आईटी में काम करते हैं भाई, क्योंकि हम लोग एग व्हाइट खाते हैं, सही है, तो जर्दी जो है ना बच जाती है। अब जर्दी का हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं भाईजान, कौन खाता है?
फॉक्स और उसके बच्चे रात में। हाँ वीआईपी सेटअप करते हैं वो तो। ये देखें एक जर्दी ये रही, एक जर्दी इनके हाथ में, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। सही है यहाँ पे माशाल्लाह मेला सजता है भाई, अखरोट भी आते हैं यहाँ पे, सब कुछ आता है। ठीक है चले भाई, पानी सारा जो है ना गायब हो गया, अब दाल डालते हैं। ठीक है चलो डाल दें भाई, डाल दें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब इसको भूनेंगे हम फिर दोबारा, अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। भून भून के यकीन करें हाथ में दर्द हो गया मेरे तो सीधे हाथ में। आमिर भाई के जो है ना घर के अंदर अलग अलग खुफिया जगहें जो है ना बिल्लियों ने अपनी बना के रखी हुई। ठीक है कोई कहीं सोती है, कोई कहीं सोती है। एक बिल्ली का मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ सोती है। ये देखिए ये एक सिंक है जो कि यूज नहीं होता, ठीक है ना, दूसरा वाला सिंक यूज होता है। तो ये जो है ना इस सिंक के अंदर सोती है। वाह भाई वाह, मजे सही जगह ढूंढी है तुमने। वाह भाई वाह, दाल फाइनली तैयार हो गई है। और ये जो है ना हमने भाई देखे हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं थोड़ी सी गार्निश करने के लिए। आए हाय 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 हाय। अमर भाई भूख कैसी लगी है? बहुत जोरों की टाइट है। आपको दाल की जो है ना शक्ल दिखाऊं कैसी लग रही है? दिखाइए प्लीज। ये देखें कैसी लग रही है। वाह भाई जबरदस्त है ना, वीआईपी लग रही है ना, रेस्टोरेंट वाले स्टाइल। हाय हाय हाय। अब आप चख के बताइएगा ठीक है कि कैसी लगी। बिल्कुल सही। ये भाई फ्रोजन शामी कबाब भी जो है ना फ्राई कर लिए हैं। सही है आमिर भाई ने चावल, और ये इनका सीन था, दाल अपना सीन था। अब दस्तरखान पे लेके चलते हैं। ये देखिए भाई गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल, शामी कबाब और खीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम खाते हैं दाल। भाईजन निवाला लें जरा, बताएं ना क्या सीन है। सच सच बता दीजिएगा जो भी सीन। बहुत मजा आया वाकई, पहला लुकमा मुंह में गया है। क्या बात है, और क्या बात है, टेस्ट लाजवाब। दाल तो अच्छी बनी। मैं बहुत लंबा सा नहीं कर सकता, जैसी मेरे घर में बनती है वैसी तो नहीं, लेकिन अच्छी बनी है एटलीस्ट। भाई अभी जो है ना हम लोग घर से बाहर आए, आप लोगों को जो है ना ये चीज़ दिखानी थी। ये देखें जितने भी यहाँ पे खंभे होते हैं ना बिजली के, ये सारे जो है ना लकड़ी के बने हुए होते हैं। देख रहे हैं ये देखें सारे लकड़ी के हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के मज़ा आ गया भाई। पूरा पूरा जो है ना मेरे घर वाला सीन तो नहीं बना सका मैं, लेकिन अगर मैं खुद मार्क्स दूँ ना तो मैं 10 में से 7 मार्क्स तो दे ही दूंगा। अच्छा बना था खाना, मतलब वो जो क्रेविंग थी ना जो इतने दिनों से हो रही थी घर के खाने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। और पीछे आप लोग माहौल देख रहे हैं, आसमान कितना प्यारा लग रहा है। भाईजन जी आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? मैं तो 10 में से 10 दूंगा, बहुत ही A1 खाना बनाया। क्या बात, मुझे लग रहा है दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा बहुत अच्छा था, आपने देखा ना मैं खा लिया। जबरदस्त जबरदस्त चलें। अच्छा है यार, बस अब जो है ना हम लोग वॉक कर रहे हैं क्योंकि कार्ब्स गेन किए इतने सारे, तो थोड़ा सा कार्ब्स के साथ हिसाब किताब करने का टाइम आ गया है। आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।